अन्नपूर्णागिरी माता के दर्शन करने के बाद और भैरव बाबा में प्रसाद चढ़ाने के बाद आप शारदा माता में स्नान कर सकते हैं। अगर आपकी यात्रा शाम तक पूरी होती है तो फिर आप वहीं पे जहाँ से आपने प्रसाद लिया था वहाँ पर आप फ्री में विश्राम कर सकते हैं और अगले दिन सुबह सुबह शारदा माता जो शारदा नदी है वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप सिद्ध बाबा के मंदिर जो कि नेपाल में पड़ता है आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको रास्ते में बहुत सारे ऑटो मिलेंगे जो कि आपको डैम तक छोड़ेंगे, डैम से आपको बाइक मिलेगी, बाइक के थ्रू आप सिद्ध बाबा के मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरी यात्रा कराता हूँ और आपको हर जगह दर्शन कराता हूँ। कमेंट में आप जय माता दी अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप पूर्णागिरी धाम नहीं गए हैं तो आप वहाँ पर जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर जाइए। दोस्तों, पूर्णागिरी दर्शन करने के बाद फिर हम वहीं पर रात में डिनर करने के बाद जहाँ पर हमने रूम लिया हुआ था, गाड़ी भी पार्क करी हुई थी, वहीं पर हमने स्टे किया और मॉर्निंग में जल्दी उठ करके 6 बजे हम वहीं से फ्रेश होकर के निकल लिए। बड़ी जल्दी पहुँच गए शारदा नदी। पूर्णागिरी से नीचे की तरफ जा कर के शारदा नदी बहती है तो वहाँ पर हम लोगों ने जा कर के स्नान किया था। उसके बाद वहीं से आपको ऑटो मिल जाती है डैम तक के लिए, फिर डैम पार करने के बाद आपको बाइक मिल जाती है जो कि सिद्ध बाबा के मंदिर तक छोड़ती है, क्योंकि शारदा नदी के उस पार जो है नेपाल पड़ता है और शारदा नदी के किनारे जो दृश्य होता है वो भी बहुत ही मनोहारी होता है। तो नेपाल जाकर के आप सिद्ध बाबा के दर्शन कर सकते हैं जो कि हमने किए, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूर्णागिरी की यात्रा पूरी होती है, साथ ही साथ ये हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी। दोस्तों, रात में पूर्णागिरी के दर्शन हो गए थे और सुबह हम लोग करीब 4 बजे के आसपास उठ गए थे। फिर वहाँ से फ्रेश होकर के हम लोग चाय पी करके अभी यहाँ नीचे आ गए शारदा नदी के तट पे। यहाँ पे सारे लोग स्नान करेंगे और पवित्र शारदा नदी में स्नान करने के बाद फिर सब लोग जाएंगे नेपाल सिद्ध बाबा के दर्शन करने, ताकि ये यात्रा पूरी हो। दोस्तों, शारदा नदी किनारे ऐसे ही जो है जगह बनी जहाँ लेडीज़ चेंज कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं लोग, और यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, चाय पानी ले सकते हैं, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं देना होता है। जय शारदे माँ। शारदा माता का मंदिर है, यहाँ पे स्नान करिए, प्रसाद चढ़ाइए और ये है पवित्र शारदा नदी। दोस्तों, पहली अच्छी बात, यहाँ घाट में पीछे सुलभ शौचालय है, और दूसरी अच्छी बात, शारदा नदी में साबुन, शैम्पू इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि साफ नदी है, नदी का पानी लोग पीते हैं, पूजा करते हैं। अगर आप इसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो गंदा हो जाएगा। और सेम यही चीज़ ऋषिकेश, हरिद्वार या कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ गंगा नदी के में भी यही सेम चीज़ होती है। वो बात और है, कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर जो है पिकनिक मनाने जाते हैं ऋषिकेश, और गंगा नदी के पानी को जाकर के गंदा करते हैं। अरे पुल पार करते ही फिर बाइक मिलेंगी। और सारे लोग अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए तैयार हैं। भैया, आपने क्या बताया, नेपाल बॉर्डर कहाँ से शुरू है? पुल जहाँ खत्म होगा। अच्छा, प्रेम से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। बोलो जय नेपाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय सिद्ध बाबा।
लौटते टाइम भी इधर ही से ऑटो मिल जाएगी। इस टाइम मैं हूँ नेपाल के अंदर, आप उतना पैदल चल के आएंगे, सामने आपको बाइक्स मिलेंगी जो 10 रुपये में आपको सिद्ध बाबा की मंदिर तक छोड़ेंगी, फिर वहाँ से वापस, फिर इतना पैदल, फिर वहाँ से ऑटो, फिर वहाँ से वापस अपने देश वापस। तो कैसा लग रहा है फॉरेन में आकर के? हाँ देखो नुद्रा, 6 मुखी, 2 मुखी, कितने कितने के? कितने के? 50 रुपये का। 50 रुपये का कौन सा? एक मुखी वाला ये 50-50 के? हाँ। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये वो पाए है। हाँ पाए, किसके पाए? नहीं पता। अच्छा ये क्या है? ये कस्तूरी है। कस्तूरी सिंदूर लगाने के डिब्बी में रखने का होता है? अरे ये कितने का कस्तूरी? ये खुशबू छोड़ता है। क्या खुशबू छोड़ता है? ये खुशबू काले कपड़े में बांधो, घर में हींग जैसी खुशबू आ रही है। कितने का है? और ये क्या शिलाजीत है क्या? ये कितने का है? सिद्ध बाबा के जो मंदिर का परिसर था वहाँ पे बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ थे, जैसा कि आप एक मेरे सामने देख रहे हैं, वहाँ के प्रसाद में भी रुद्राक्ष चढ़ता है। रुद्राक्ष ढूंढ रहे हैं लोग, पेड़ से गिरा हुआ है। हाँ मिला रुद्राक्ष उनको, अभी मिला वहाँ पे एक रुद्राक्ष का पेड़, ये भी है। दोस्तों सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद हमारा महेंद्रनगर जाने का प्लान था, जो कि सिद्ध बाबा से 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन हमें उसी दिन वापस लौटना था तो हम नहीं गए। लेकिन अगर आप जाते हैं, आपके पास समय रहेगा तो आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, नेपाल की बहुत बड़ी मार्केट लगती है वहाँ पर। तो 12-12:30 के आसपास हम लोग वहाँ से वापस लौटे थे नेपाल से, और करीब 8-8:30 बजे के आसपास हम बचकानी पहुँच गए थे। थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ मुरादाबाद में रुके थे। तो चलिए वीडियो का एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगले व्लॉग में। जय माता दी।